बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन गार्डन में। तो व्यूवर्स, मैं हूँ इकरा खान और आज आपके लिए लेकर आई हूँ इतनी ज़्यादा मज़े की रेसिपी। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं काबुली पुलाव। इसको बनाना इतना सिंपल है, बहुत ही झटपट ये बनकर रेडी हो जाता है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है, ठीक है? तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के अनियन थे, उनको ये देखिए 2 पकाने के चम्मच मैंने ऑयल लिया था, उसमें जो है हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ठीक है? इनका हमने कलर डार्क करना है, तो चलें जब इनका कलर डार्क होता है फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, इतना आपने इनका कलर जो है वो डार्क करना है। इसके बाद जो है इसमें हम 2 टेबल स्पून जो है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और उसको जो है हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इसके बाद ये देखें, टमाटोज और ग्रीन चिलीज है वो ऐड कर देंगे। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से जो है वो हमने मिक्स कर लेना है, यानी इनकी भुनाई कर लेनी है। तो ये देखें, अच्छे से सब चीज़ों की भुनाई कर ली थी, तो उसमें जो है चिकन ऐड कर देंगे। तो ये देखें, अब जो है चिकन को भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे सब चीज़ों के साथ। तो ये देखें, इसमें जो है 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, 1/2 टेबल स्पून जो है वो टर्मरिक पाउडर है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। तो ये देखें, थोड़े से जो है 3 से 4 तेज़पत्ते हैं और थोड़ा सा साबुत गर्म मसाला ऐड कर देंगे। तो इन सबको जो है हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है इन सब चीज़ों की। तो ये देखें, यहाँ पर चिकन की अच्छे से भुनाई कर ली है, अब इसमें जो है हम पानी ऐड कर देंगे। तो ये देखें, अब जो है इसमें तकरीबन मैंने 1 लीटर पानी ऐड किया है। तो अब जो है इसको कवर कर देंगे जब तक उबाल नहीं आ जाता तब तक के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर गाजरें हैं, उनको इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। 2 टेबल स्पून जो था मैंने ऑयल ऐड किया, उसमें इसको जो है फ्राई कर लेंगे और इसके साथ ही जो है हम किशमिश भी फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए, यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लिया था, उसके बाद ये देखिए पानी में उबाल आ गया था। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है वो चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है और उसके बाद जो है 1 टेबल स्पून मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया था। तो ये देखिए, अच्छे से जो है वो पानी को उबाल आ गया था। इसमें मैंने राइस ऐड कर दिए थे, राइस को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। तो ये देखिए, अब जो है जब इस तरीके से बबल्स आने लग जाएंगे तो फिर जो है उसके ऊपर आपने ये गाजरें और जो किशमिश फ्राई किया था वो ऐड कर देंगे। तो अब जो है थोड़े से बादाम ऐड कर देंगे और थोड़े से जो है मैंने नारियल को कट किया था वो भी ऐड कर देंगे, इससे जो है ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। तो अब इसको दम लगा देंगे 15 मिनट के लिए। तो फिर 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर 15 मिनट हो गए थे, हमारा काबुली पुलाव बनकर रेडी हो गया है। तो इसको जो है हम चेक कर लेते हैं कि ये देखें कितने ज़्यादा अच्छे से ये बनकर रेडी हो गए हैं, ये देखिए। तो चलिए अब इसको जो है हम डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितने ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं ये। तो व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।